पंचायती राज इदारों की मीटिंग के मिनट कैसे बनाए जाएं? पंचायतों के लिए ये जरूरी है कि वो ग्राम सभा इजलास में उठाए गए तमाम मसाइल को नोट करें और लिखें। वो मुखिया मंडल के मीटिंग के सरकारी और कानूनी रिकॉर्ड के तौर पर काम करते हैं। मिनट को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, बशमूल काम की पेशरफ्त को ट्रैक करना, मुस्तकबिल के मंसूबों की तफसील और एक हवाला नफ्सा के तौर पर काम करना। दूसरी चीजों के अलावा मीटिंग के मिनट्स में मीटिंग और वोटिंग वगैरह के लिए लिए गए हर फैसले को रिकॉर्ड करना चाहिए। ये ग्राम पंचायतों की मीटिंगों और इससे मुतालिक मामलात के लिए असूलों का एक मजनुआ तजवीज करता है। पंचायत इजलास की तौसी, क्लियर डेज, मतलब इस दिन को छोड़कर जिस दिन नोटिस भेजा जाता है, हालांकि इजलास में इतवार की छुट्टी भी शामिल होती है। ग्राम पंचायतों का मतलब देही इलाकों के लिए गांव की सतह पर खुद हुकूमत के अदारे हैं। मेंबर का मतलब हर ग्राम पंचायत का मेंबर और इसमें सरपंच शामिल है। दिलचस्पी रखने वाले मेंबर, इसका मतलब है कि किसी फर्द या गांव की मीटिंग से पहले रखे गए किसी भी मामले में बराहे रास्ता या बालोआस्ता तौर पर माली दिलचस्पी रखने वाले रुकन। पंच, इसका मतलब है सरपंच के अलावा किसी पंचायत का रुकन है। इजलास बुलाने का हक, सरपंच की हिदायत पर सेक्रेटरी ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाता है। अगर कानून के मुताबिक मीटिंग बुलाना जरूरी है तो मीटिंग एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर सरपंच के मुआशरे पर मुनाकिद की जाएगी और सेक्रेटरी की तरफ से तलब की जाएगी। मीटिंग में अराकिन की तादाद के फैसले सेक्रेटरी सरपंच से मशावरत के बाद ही करेगा। अगर सरपंच किसी वजह से मीटिंग बुलाने से कासिद है तो इसकी गैर मौजूदगी मिजाज अथॉरिटी ऐसी मीटिंग बुलवा सकती है। मीटिंग का वक्त, जगह और नंबर, मीटिंग किसी भी दिन किसी भी जगह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इलाके के अंदर किसी भी जगह ऐसी जगह पर बुलाई जा सकती है जो के ग्राम पंचायत या हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा हो। पंचायत की हर मीटिंग को तरतीब वार शुमार किया जाएगा। ग्राम पंचायत की मीटिंग का नोटिस तारीख से कम 5 दिन पहले देना होगा। ग्राम पंचायत मेंबरियान की अक्सरियत खुसूसी इजलास बुलाने पर राजी हो जाए तो नोटिस कम वक्त में दिया जा सकता है, लेकिन इस मीटिंग से कम 24 घंटे पहले देना होगा। मीटिंग के नोट्स में सीरियल नंबर, तारीख, दिन, वक्त, पंडाल का मुकम्मल पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत मालूमात भेजने का सबूत भी रखेगा। इजलास का एजेंडा, सेक्रेटरी एजेंडे और तबसरे को हतमी शक्ल देगा और हर मीटिंग के एजेंडे का फैसला सरपंच के साथ मशावरात से करेगा। मीटिंग में उठाए जाने वाले हर मौजू को तरतीब वार नंबर दिया जाना चाहिए। इजलास में किए जाने वाले कारोबार के एजेंडे पर तबसरे के साथ इसके बारे में तफसीलात का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। एजेंडे पर तबसरात बाद की तारीख में अलग से भेजे जा सकते हैं, लेकिन इजलास में कम से कम 3 दिन पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इजलास के मिनट, हर मीटिंग की कार्रवाई सेक्रेटरी मिनट्स बुक में दर्ज करेगा। मीटिंग के मिनट्स को मिनट बुक में दर्ज करने से पहले
फौरी तौर पर पढ़ा जाएगा और गौर व खवास के बाद ही रिकॉर्ड किया जाएगा। मिनट के रखरखाव। सेक्रेटरी मिनट्स को बरकरार रखेगा। ग्राम पंचायत की मीटिंग और इसकी मखसूस मिनट की किताब की देखभाल कमेटियों के लिए की जाएगी। मिनट हिंदी या रियासत की सरकारी जुबान में लिखे जाएंगे। मिनट किताब के सफहात तरतीब वार होंगे। मिनट की किताब में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और ना ही पेज को मिनट के साथ मुंसलिक या चस्पा किया जाएगा।